Today I am going to talk about Reader English Honeydew from class 8. Today we will talk about tsunami and important words from class 8. From class 8, today I am going to describe important words and vocabulary from the chapter tsunami. आज मैं आप सभी के लिए tsunami chapter number 2 class 8 English के लिए vocabulary standard words लेकर आया हूँ. और इसको यदि एक बार पढ़ लिया जाए तो पूरी पुस्तक की जो सुनामी के संदर्भ में जो चैप्टर इम्पोर्टेंट वर्ड्स स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं सभी आपको याद हो जाएंगे और जान सकेंगे. इसके बाद आप यदि चैप्टर को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं तो आसानी से आप समझ जाएंगे. तो लेते हैं द सुनामी वोकैबुलरी स्टैंडर्ड वर्ड्स. सुनामी, सुनामी इज़ ए जापानीज वर्ड. सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि तसु प्लस नामी सुनामी से लिया गया है. विच मीन्स रिटर्निंग वेव, जिसका अर्थ होता है लौटता हुआ तरंग, यानी वापस होता हुआ तरंग. एक नज़र डाल लेते हैं. सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. सुनामी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली तरंग है जो कि अर्थक्वेक यानी भूकंप के द्वारा समुद्र के अंदर विकसित होता है. यानी समुद्र के अंदर होने वाले भूकंप के कारण ही सुनामी का उदय होता है जो बहुत ही विशाल और बहुत ही शक्तिशाली होता है. 26 दिसंबर 2004 ये सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कई हिस्से जिसमें से अंडमान और भारत के कई अन्य हिस्से जिसमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं और तमिलनाडु कोस्ट हैं जहां पर 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी ने आक्रमण कर दिया. सुनामी 26 दिसंबर 2004 डेट याद करने के लिए सुनामी भारत 26 दिसंबर 2004 को आया अथवा 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने भारत के तमिलनाडु अंडमान निकोबार द्वीप पर प्रहार किया यानी आक्रमण किया. आइए कुछ फिगर देखते हैं सुनामी के बारे में. 26 दिसंबर 2004 दिस इज़ इंडिया मैप एंड सुनामी दिसंबर 26, 2004. इसको और थोड़ा सा हम लोग जूम कर लें तो दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ द रीजन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देखेंगे दिस इज़ द सेंटर पॉइंट इंडोनेशिया थाईलैंड. देखेंगे थाईलैंड जो कि सुनामी 2004 से प्रभावित हुआ था. सुनामी सुमात्रा फुकेट, यहाँ पे देखेंगे फुकेट आइलैंड है, द्वीप है जो सबसे इसका सेंटर पॉइंट माना जाता है. फुकेट मलेशिया इंडोनेशिया श्रीलंका मालदीव्स इंडिया का जो यह क्षेत्र है वह भी प्रभावित माना जाता है. और इस प्रकार से यहाँ से चलकर हमारे तटों को जो पूर्वी तट है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इत्यादि को प्रभावित करने का काम किया. अगले फिगर में देखते हैं दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सुनामी इन 2004 थाईलैंड. स्टोरी में आप जब पढ़ेंगे तो टिली स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे जो कि लंदन से थाईलैंड की तट बीच जो घूमने के लिए आई क्रिसमस मनाने के लिए आई है और सुनामी का सामना हो गया. मलेशिया इंडोनेशिया यह जो रेड जोन बनाया गया है ये सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं और यह जो दिख रहा है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है. श्रीलंका को भी अपने चपेट में ले लिया था और यहाँ का जो द्वीप है आला नेशनल पार्क सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है. और इस रेड जोन जो कि इंडिया का पूर्वी तट है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इंडिया का आंध्र यहाँ से आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु श्रीलंका इत्यादि जो क्षेत्र है मछलीपट्टनम इत्यादि जो क्षेत्र है वह सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है. और यहाँ जो सेंटर पॉइंट है आपका सुनामी का सीधे चलते हुए देखते हैं सोमालिया को भी टच करता है. यानी समुद्र में उठा हुआ एक बहुत ही विशालकाय तरंग जिसे सुनामी कहते हैं के कारण 2004 में बहुत ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया. अगले फिगर में देखते हैं दिस इज इंडियन मैप. आप देख सकते हैं क्लोज करके
विजयनगरम यह जो क्षेत्र है वह प्रभावित माना जाता है। विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, चेन्नई, नागापट्टनम, इक्कुड्डू, कुडलोर जो कि क्लास 8 के सिलेबस में भी है सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है, नागापट्टनम इत्यादि जो क्षेत्र है यह सुनामी का क्षेत्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सर्वाधिक प्रभावित इस क्षेत्र में सुनामी का, इस आप देख सकते हैं रेंज जो गया है वेव बना गया है, इस इतने सारे क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। सुनामी के कुछ दृश्य दिए गए हैं जैसे व्हीकल्स हैं, लोग हैं, बोट्स हैं, सभी के सभी बह जाते हैं समुद्र के किनारे में। अगला फिगर लेते हैं, दिस इज द अंडमान एंड निकोबार वी आर टॉकिंग अबाउट। और अंडमान एंड निकोबार को यहाँ दिखाया गया जो कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि सुनामी एक पूरा उठता हुआ समुद्र और तट की ओर आता हुआ दृश्य दिखाई दिया गया है जो कि सुनामी को इंडिकेट किया गया है। दिस वाज सुनामी, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ सुनामी, दिस वाज कॉज्ड इन 2004 कमिंग सुनामी। वंस अगेन रेड जोन, जो रेड दृश्य दिखाया गया है वह अंडमान निकोबार क्षेत्र को दिखाते हुए, आगे जो हमारा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा सुमात्रा द्वीप, थाईलैंड, निकोबार, अंडमान, श्रीलंका, इंडिया सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से गिना जाता है आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ सुनामी इन 2004। वी हैव दीज पिक्चर्स, दीज आर द पिक्चर्स आफ्टर सुनामी इन 2004। नंबर टू आइलैंड्स, द्वीप समूह, कच्छल, कच्छल दिस इज अ प्लेस, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार द्वीप समूह, नंदकौरी निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रॉम बुक्स, चलिए पहले जो आपका पैसेज पैराग्राफ है वहाँ से लेते हैं। सिक्स नंबर लार्ज, विशाल, बहुत बृहत, जो बहुत बड़ा हो। पावरफुल, शक्तिशाली लहरें, पावरफुल वेव्स, वेव मीन्स लहरें। अर्थक्वेक्स, भूकंप। हीट, आक्रमण किया, सुनामी ने आक्रमण किया, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। कोस्ट, समुद्री तट, समुद्री किनारा। स्टोरीज, कहानियाँ। करेज, साहस। सर्वाइवल, बचाव, जो बच गया, जो जीवित रह गया। देखेंगे सुनामी में वैसे जीव जंतु जो बच गया। सेंस, आभास, पूर्वानुमान, पूर्व से ज्ञान होना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंस। इंद्रिय, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि सुनामी के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। इग्निशियस, इग्निशियस वाज मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नियस एक मैनेजर है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रबंधक है। वॉक अप, जगाया, वैक से बना है, वैक अप, वैक अप नींद से उठाना, जगाना, इसको हम लोग कहते हैं वॉक अप। फेल्ट एन अर्थक्वेक, भूकंप के झटके महसूस किया। फॉल मीन्स गिरना, ब्रेक टूटना, रस्ट आउट बाहर दौड़ा, बाहर निकल गया। जब ये पता चल गया कि सुनामी आने वाला है तो लोग रस्ट आउट बाहर की ओर दौड़े। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब भूकंप के झटके शांत हुए अथवा रुक गए। सी राइजिंग, समुद्र को उठते हुए। चाओस, दुख। कन्फ्यूजन, भ्रम, क्या करें क्या ना करें की स्थिति को हम लोग कन्फ्यूजन कहते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने फिर कभी उन्हें नहीं देखा। यह जो है सेंटेंस आपके सीधे आपके पुस्तक से लिया गया है, चैप्टर नंबर टू सुनामी से। स्वेप्ट अवे, बहाकर ले गया। स्टोरी में जब पावरफुल वेव्स सुनामी आया तो अपने साथ जाते वक्त स्वेप्ट अवे कई चीज़ों को बहाकर ले गया। संजीव वाज अ पुलिसमैन, कहानी है जो कि संजीव की कहानी आएगा, जो कि संजीव एक पुलिसमैन है। शम हाउ, किसी तरह से। बेबी डाउटर, छोटी सी बेटी। गेस्ट हाउस, अतिथि गृह, गेस्ट हाउस। कुक, रसोईया। रेस्क्यू, बचाओ, बचाने के लिए। बोथ स्वेप्ट अवे, दोनों ही बह गए। मेघना, 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 13 वर्ष की लड़की।
मेघना इज अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल. पेरेंट्स माता पिता स्पेंट बिताया, स्पेंट से स्पेंट बना है, फ्लोटिंग तैरना यानी जल के ऊपर पानी के ऊपर तैरना, उड़न डोर लकड़ी के दरवाजे, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बचाव हेलीकॉप्टर जो कि किसी घटना घटने के बाद उसको हम लोग रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं, ओवरहेड माथे के ऊपर, शोर समुद्री तट, किनारा समुद्र का छिछला भाग जो कि बहुत तट के नज़दीक होता है, डेज भौचंकी, अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड, सी वाज द स्टूडेंट ऑफ कारमेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर. अलमास जावेद एक लड़की है जो कि 10 वर्ष की है, वह कारमेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर का एक छात्रा है. राहिला मदर ऑफ अलमास जावेद, राहिला है वह अलमास जावेद का की माँ है. क्रिसमस की छुट्टियाँ है. When the tremors came, जब भूकंप के झटके आया अथवा झटके महसूस किए गए. अलमस फादर saw the sea water recede, अलमस के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा. And this is the sign of coming tsunami, और यही जो दृश्य है वो सुनामी के आने का आगमन का पता चलता है. जब समुद्र का पानी घटने लगे तो समझ जाएं कि सुनामी आने वाला है. He woke everyone up, उसने सभी को जगाया. सेफर प्लेस सुरक्षित स्थान पर ले गया. फेल डाउन नीचे गिर गया. रस टू हेल्प हिम मदद के लिए दौड़ा. जाइंट वेव भयानक विशाल लहर. क्लिंगिंग पुकारते हुए. अपरूटेड पेड़ का उखाड़ दिया. सी क्लाइम्ड ऑन टू ईट, वह इस पर चढ़ गई. देन सी फेंटेड, तब वह बेहोश हो गई. इंसिडेंट हादसा. सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, वह अभी भी सदमे में है. पार्ट वन कैरेक्टर्स इग्नेशियस, संजीव, मेघना, अलमास जावेद, राहिला. दिस हैव कम इन पार्ट वन कैरेक्टर्स इग्नेशियस, संजीव, मेघना, अलमास जावेद एंड राहिला. पार्ट टू के लिए वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो. I would like to suggest all the students of class 8 to know each and word, sentence, words, vocabulary words, so that you can give answer, you can give adequate answer with suitable words and sentence. Thank you. Go for next video number 2, Tsunami.